आज हम लोग करेंगे पेपर टाइप डॉट ए आई का रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स और ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं बात पेपर टाइप के बारे में, जो कि एक एआई कंटेंट क्रिएशन टूल है। देखेंगे कि ये टूल अच्छा है कि नहीं, कैसा इसका आउटपुट आता है, इज इट वर्थ द मनी, और जो इसका लॉन्ग फॉर्म एडिटर है वो कैसा है। तो दिस वॉज फाउंडेड इन 2020, एक इंडियन बेस्ड कंपनी है ये, एंड दे हैव रेज सम गुड इन्वेस्टमेंट। पहले एंजल इन्वेस्टमेंट इनको मिला था अराउंड $3 लाख का, देन इन्होंने यहाँ से 4.2 मिलियन के फंडिंग भी उठाई है, एंड दिस कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। यूजर इंटरफेस की बात करूँ तो कुछ इस तरह का यहाँ पे यूजर इंटरफेस दिखता है। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं, काफ़ी क्लीन एंड ईजी टू यूज़ है। यहाँ पर सारे यूज केसेस आ जाते हैं, जिसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंड वी हैव हिस्ट्री, प्रोजेक्ट्स फॉर मैनेजमेंट, जो भी आप लोग कर रहे हो वो प्रोजेक्ट में यहाँ पे स्टोर हो सकता है। एंड जो इसमें एक और अच्छी बात मुझे लगी है, दैट इज़ इन देयर माई अकाउंट सेक्शन, दैट इज़ यूजेज स्टैट्स, कि आपने कौन से यूज़ को कितना यूज़ किया है, कब यूज़ किया है, कितने वर्ड्स यूज़ किए हैं, और कौन सा यूज़ केस आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, कितने वर्ड्स वहाँ से जनरेट हुए हैं, ये सब कुछ डिटेल्ड स्टैट्स में मिल जाते हैं। तो ये जो एनालिटिक्स रिपोर्ट यहाँ पे मिलती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब सीधे चलते हैं इसके यूज़ केसेस के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जाते हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में वे हैव डिफरेंट ऑप्शंस। पहले जाते हैं हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शंस के ऊपर। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, हैविंग अ टी ऑन माउंटेन, लेट्स क्लिक क्रिएट कॉन्टेंट। हालांकि बहुत ही शॉर्ट है डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने यहाँ पर। एंड अगर आपको इसके डिटेल में जानना है, डिटेल में इसके यूज़ केसेस देखने हैं आपको, तो वो आपको हमारे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर मिल जाएंगे, जहाँ पर इससे भी ज़्यादा डिटेल में हमने इसके यूज़ केसेस को कवर किया है। तो ये इसने मुझे यहाँ पे कैप्शन दे दिए हैं कुछ, इट्स ऑल अबाउट माउंटेन टी, माउंटेन व्यू एंड माउंटेन चिल, हैव अ गुड डे। अच्छा कैप्शन है, एट द सनसेट इट्स टाइम टू हैव अ टी ऑन माउंटेन, दिस वन इज ऑल्सो गुड। एंड सोशल मीडिया में नेक्स्ट वी विल ट्राई फेसबुक एड कॉपीज। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ए टू स्किन डिजाइन कस्टम स्किन्स फॉर योर आईफोन, ठीक है। एंड ये इसने मुझे यहाँ पे कैप्शंस दे दिए हैं, फेसबुक एड कॉपी इसलिए मेक योर फोन इनसेनली ब्यूटीफुल विथ वन ऑफ आवर कस्टम प्रिंटेड स्किन्स। अच्छा है, वी बिलीव दैट योर आईफोन शो योर पर्सनैलिटी, पर्सनलाइज आईफोन स्किन्स, इट्स अ डिसेंट वन। देन हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, लेट्स वॉच माई वीडियो इज अबाउट बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस फॉर प्रोडक्टिविटी। तो यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसने सिर्फ मुझे एक ही आउटपुट दिया है, बाय डिफॉल्ट वी गेट सम दीज आर एक्सटेंशंस, ठीक है, बट आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड द वन विच आर एक्चुअली यूज। अच्छा डिस्क्रिप्शन, लाइक इट्स अ गुड वन। देन जो इसमें एक और टूर मुझे अच्छा लगा है वो है एंगेजिंग क्वेश्चंस, लेट्स क्लिक ऑन दैट। तो जो भी टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको एंगेजिंग क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी ऑडियंस से, फॉर एग्जाम्पल लिव इन रिलेशनशिप, लेट्स क्लिक क्रिएट कॉन्टेंट। ये इसने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे दिए हैं, सम ऑफ द प्रोज, सम ऑफ द कॉन्स, ठीक है। डू यू थिंक इट्स बेटर टू हैव अ लिव इन बॉयफ्रेंड और अ लिव इन गर्लफ्रेंड, व्हाट मेक्स समवन मोर लाइकली टू लिव इन विद देयर पार्टनर, इट्स गुड। जो इसने क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं अच्छे हैं, कुछ कुछ बकवास भी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 80% ऑफ द क्वेश्चन आर गुड। देन लेट्स ट्राई पर्सनल बायो, ये भी मुझे अच्छा लगा है। लेट्स क्लिक ऑन माई नेम, एंटर माई नेम, और यहाँ पर मैं डिटेल डाल देता हूँ, बेसिकली मैं क्या क्या करता हूँ, क्रिएट कॉन्टेंट, सिर्फ मैंने बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पर आ गया है, इज अ को फाउंडर ऑफ पेपर टाइप, बिल्कुल नहीं, इज अ डिजिटल कंसल्टेंट हैविंग एक्सपीरियंस इन SEO, SSS में ऐप डेवलपमेंट, नाइस, काफ़ी अच्छा है। इसको मैं लिंक्डइन बाकी जगह पर डाल सकता हूँ, अपनी वेबसाइट में डाल सकता हूँ, बट इज़ अ वीडियो एंथुसियास्ट, अ ब्लॉगर, कॉन्टेंट क्रिएटर एंड इज एन इन्फ्लुएंसर ऑन यूट्यूब विद ओवर 240K सब्सक्राइबर्स, तो दैट्स रियली गुड। जो इसने मुझे ये डिस्क्रिप्शन लिख के दिया, बायो लिख के दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बायो नहीं लिख पाते, इनफैक्ट मैं भी यहाँ पर अपना बायो नहीं लिख पाता हूँ, तो इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दे दी। हालांकि यहाँ पर ट्विकिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन जो मेन जो अटेंशन ग्रैब करने वाली चीज़ें रहती हैं वो इसने यहाँ पर सब इंक्लूड कर दिया है। देन लेट्स टेक अ लुक एट अवर लास्ट टूल ऑन सोशल मीडिया, डैट इज पोल क्वेश्चंस। I'll write a very simple topic, tea versus coffee. So आ गया है, what, how do you prefer your coffee? Black with a dash of vanilla. What's your favorite drink? Tea, coffee. Well, which is better? Can't live without it. अच्छे दिया है इसने, मैं इसको ट्विटर पे भी डाल सकता हूँ। So overall social media के tools मुझे अच्छे लगे हैं, engaging questions, poll questions, personal bio, YouTube video description, social media के options, ये कुछ अच्छे tools हैं जो मुझे इसमें लगे हैं। Next let's jump on to the copywriting section. यहाँ पे सबसे पहले वी विल ट्राई बिफोर आफ्टर ब्रिज कॉपी राइटिंग एंड वी विल टॉक अबाउट नोशन हियर। तो ये इसने मुझे दे दिया है, बिफोर ट्राइंग टू मैनेज योर टास्क, आफ्टर नोशन इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ठीक है। ब्रिज, नाउ यू कैन सी यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, ठीक है, अच्छा दिया है। अगर आप लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हो तो यहाँ पर इसने कुछ अच्छे आउटपुट दे दिए हैं मुझे। नेक्स्ट वी विल ट्राई फीचर टू बेनिफिट। यहाँ पर जो भी मेरा प्रोडक्ट है मैं उसका नाम लिख देता हूँ, लोटस, व्हाट डज इट डू, नाइट क्रीम है जो स्किन ड्राइंग को प्रिवेंट करती है
एंड मेक्स योर स्किन शाइन। काफ़ी बेसिक सा मैंने इसके फीचर्स लिखे हैं। नाइट कीप द स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ इवन ड्यूरिंग द नाइट, इट प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ योर स्किन एंड मेक्स इट शाइन नाइस। गिव यू सॉफ्ट स्मूथ एंड शाइनिंग स्किन एज इट प्रिवेंट्स योर स्किन, द क्रीम विल हेल्प यू लुक यंगर। अच्छे दिए हैं इसने, नाइस। नेक्स्ट वी विल लुक एट कंप्लीटिंग बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैं बुलेट पॉइंट्स डाल देता हूँ। हेडिंग में मैंने डाल दिया स्टेप्स टू राइट एन इफेक्टिव आर्टिकल एंड देन ये इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स है कैसे लिखना है एक आर्टिकल को। लेट्स क्लिक क्रिएट कंटेंट। तो ये आउटपुट आ गया है, पहले वाला तो यूजलेस है, सेकंड वाला रिसर्च थॉरली प्रोड्यूस द बेस्ट रिसर्चिंग गिव योर रीडर्स एन इनसाइट एट कीवर्ड्स, ये दूसरा वाला अच्छा है, पहले वाला तो यूजलेस है। लेट्स ट्राई अनदर टूल नाउ, लेट्स गो बैक एंड कॉन्टेंट री राइटर, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स इन AI राइटिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेरा कॉन्टेंट होता है वो अच्छे से नहीं लिखा होता है, या ये देखो ये जैसे मैंने लिखा है ये वाला कॉन्टेंट, इट लुक्स लाइक वेरी चाइल्डिश, मेरी एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं आती है एट द टाइम ऑफ राइटिंग, तो आई नीड दिस टूल्स। सो ये आ गया, इसमें राइटिंग रेगुलरली कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, यू कैन सॉर्ट थ्रू योर थॉट्स एंड गेट अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड, एडिशनली यू कैन सी द रियलिटी। हाँ अच्छा है, काफ़ी अच्छा दिया है इसने मुझे आउटपुट, आई रियली लाइक दिस वन। देन लास्ट टूल जो इसमें मैं ट्राई करूँगा वो है कंटेंट एक्सपैंडर। बाकी सारे टूल्स आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, फिलहाल ये वाला मैं डाल देता हूँ कंटेंट एक्सपैंडर में। ठीक है, ये मुझे एक लिखना है, एक गुड बाय मैसेज लिखना है फॉर माई फ्रेंड हु इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो कंटेंट एक्सपैंडर में मेरे पास ये आ गया है, इट्स हार्ड टू से गुड बाय व्हेन योर बेस्ट फ्रेंड इज़ लीविंग फॉर अनदर कंट्री, काफ़ी अच्छा लिख के दिया इसने। तो अगर आपको बर्थडे विश करना है, अगर आप लोग अच्छे से लेटर्स नहीं लिख पाते हो, यू नो टेक्स्ट काफ़ी अच्छे से फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन अगर आप लोग नहीं कर पाते हो, इफ़ यू वांट टू राइट इवन अ लव लेटर, तो काफ़ी अच्छा टूल हो सकता है कंटेंट एक्सपैंडर। सो कमिंग ऑन टू SEO, यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन जो इसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा है मैं उसके बारे में बताता हूँ, बाकी सब आपको हमारे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे, सो यू कैन रीड दैट ऑन। ब्लॉग इंट्रो की तरफ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस फॉर प्रोडक्टिविटी, लेट्स क्लिक क्रिएट कॉन्टेंट। सो इसने मुझे ये कॉन्टेंट दे दिया है, देयर आर मेनी क्रोम एक्सटेंशंस दैट यू कैन मेक वर्किंग ऑनलाइन ईजियर, कैसे हेल्प करेंगे ये, कैसे लिस्ट कंपाइल करिए, ठीक है, अच्छा इंट्रो दिया इसने, दैट्स नाइस। देन ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉर ई कॉमर्स, एंड प्रोडक्ट में भी आप प्रोडक्ट रिव्यू जनरेटर, ये मुझे अच्छा लगा है। सो इफ़ आई वॉन्ट टू जनरेट अ रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट नेम पेपर टाइप, ये क्या करता है AI कॉन्टेंट राइटर है, क्या मुझे अच्छा लगा, इजी टू यूज़ है, अच्छा आउटपुट है, यूज़र इंटरफेस है, वर्ड काउंट भी यहाँ पर अच्छी मिल रही है। तो लेट्स आई क्लिक ऑन क्रिएट कॉन्टेंट एंड देखता हूँ ये क्या रिव्यू मुझे यहाँ पर लिख के देता है। सो दिस इज़ द स्मॉल रिव्यू दैट आई गॉट, आई वॉज लुकिंग, ठीक है, दैट विल गिव योर कैंपेन्स अ बूस्ट एंड ठीक है, इट्स ओके, नॉट द बेस्ट, लेट्स क्लिक क्रिएट मोर आउटपुट्स, आई डिड ओके, इट्स नॉट अ ह्यूमन लेवल राइटर बट इट्स प्रिटी गुड, ठीक है, तो इट्स ओके, मतलब इन्होंने कितना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, कभी कभार ये अच्छे रिजल्ट दे देता है बट एट प्रेजेंट इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी एवरेज है। सो नाउ लेट्स चेक लॉन्ग फॉर्म एडिटर। लॉन्ग फॉर्म एडिटर को एक्सेस करने के लिए पेपर टाइप में यू हैव टू गो हियर, नोट्स के ऊपर क्लिक करना है, दिस इज देयर लॉन्ग फॉर्म एडिटर, मैं यहाँ पर एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ and this is how it will look। यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉन्ग फॉर्म ब्लॉक के ऊपर, ये एक आउटलाइन आ जाएगी कैसे क्या क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट करना है ब्लॉग इंट्रोडक्शन, आई क्लिक ऑन दिस वन, यूज ब्लॉग इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये वाला पैनल खुल जाएगा, यहाँ से जिस भी टॉपिक है मेरा मैं यहाँ से उसका ब्लॉग इंट्रोडक्शन ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ ब्लॉग इंट्रोडक्शन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफी बीन्स, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, ये रहा मेरा ब्लॉग का टॉपिक, नाउ आई विल क्लिक क्रिएट कंटेंट। सो यहाँ पर इसके आउटपुट्स आ गए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ काफ़ी एवरेज से हैं, तो फॉर नाउ आई विल सिलेक्ट दिस वन, इसमें यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा पेस्ट टू नोट एंड यहाँ पर ये मेरा इंट्रोडक्शन आ गया है। उसके बाद आई विल क्लिक एन ब्लॉग आउटलाइन, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ब्लॉग टॉपिक जो मेरा था दैट वॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, तो ये रहा है। तो ये इसने मुझे यहाँ पे आउटलाइन दी है जो कि इतनी कुछ खास नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन्स के बारे में बताया नहीं, व्हाट डज कॉफ़ी कंटेन, व्हाट डज कॉफ़ी डू टू यू, सो ये मेरे मेन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एवरेज, मतलब एवरेज दिया, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन चार होती है, ये इसका सिंपल सा आंसर है। बहुत सारे AI टूल्स यहाँ पे इसका आंसर दे देते हैं, बट इसने कुछ और ही दिया है मुझे एट प्रेजेंट, सो ये मुझे अच्छा नहीं लगा है, बट लेट्स गो अहेड, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट टू नोट, ये आ गया है यहाँ पर, एंड देन अब अगर मुझे यहाँ पर इसके बारे में और लिखना है तो आई विल हैव टू सिलेक्ट दिस, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन एक्सपैंड, व्हाट डज कॉफ़ी कंटेन, आई विल क्लिक ऑन एक्सपैंड एंड देन ये मुझे इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देगा।
ठीक है, तो व्हाट डज कॉफी कंटेन, ठीक है ये आ गया है, इट इज इन गोस, ठीक है अफ्रीकन कॉफी, ठीक है लाइक एवरेज सा दिया है, अगेन इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड देन लेट्स हैव माय ओन टॉपिक, जैसे मुझे जानना है अरेबिका कॉफी के बारे में, आई क्लिक ऑन दिस, आई क्लिक ऑन एक्सपैंड, सो ये यहाँ पर आउटपुट आ गया है, कॉफी इज मोर देन, ठीक है दिस आर द पॉपुलर टाइप ऑफ अरेबिका, हैज अ माइल्डर टेस्ट एंड इज मोर एक्सपेंसिव देन रोबस्टा अरेबिका, ठीक है ये वाला फाइनली मुझे मिला है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, पेस्ट टू नोट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, आपको हर चीज़ यहाँ पे मैनुअली करनी पड़ेगी, ब्लॉग इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, ओवरऑल इसका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एडिटर एट प्रेजेंट मुझे अच्छा नहीं लगा है, आउटपुट भी काफ़ी एवरेज से आ रहे हैं, एंड जो इनका एडिटर है वो भी एवरेज लगा है मुझे। कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करें तो ईमेल के थ्रू आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जिसका यूजुअली रिप्लाई 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। ना इससे पहले मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि पेपर टाइप ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है, जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियंस है, हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करोगे कुछ भी तो आई विल गेट अ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करके, थैंक यू। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जो भी बेस्ट डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। एंड दिस इज़ द करेंट प्राइसिंग, मंथली यहाँ पर $35 है, जहाँ पर आपको 50,000 वर्ड्स पर मंथ मिल जाता है, इसमें लॉन्ग फॉर्म एडिटर का भी एक्सेस है, जितने भी सारी चीज़ें हैं टेम्पलेट्स वगैरह सबका एक्सेस है। अनदर प्लान इज $40, जिसमें आपको टीम का एक्सेस भी मिल जाता है। तो बेस्ट प्लान यही रहेगा इन लोगों का, एक ही प्लान है, बेस्ट यही रहेगा ज़्यादातर लोगों के लिए। एनुअल में यहाँ पर आपको 400 ईयर लगता है, मंथली में यू विल पे 35 पर मंथ, आई थिंक मंथली प्लान यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अब अगर इसके मैं प्रोस के बारे में बात करूँ तो ईजी टू यूज़ है, फास्ट है, जल्दी आउटपुट आ जाता है, आउटपुट की क्वालिटी अच्छी थी, यूजेज स्टैट्स भी देख के रखें, काफ़ी डिटेल्ड एनालिटिक रिपोर्ट यहाँ पर मुझे मिल जाती है। कुछ कॉन्स के बारे में बात करें तो जो लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट एडिटर है दैट वॉज एवरेज, सेकेंड जो यहाँ पर इसमें यूज़ केसेस दिए हैं वो भी मुझे थोड़े कम लगे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक पेपर टाइप AI इज़ फास्ट, क्वालिटी आउटपुट देता है वो स्पेशली फॉर द शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, एंड फॉर द लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट इट इज़ नॉट गुड, उसके लिए अच्छा नहीं है, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग फॉर्म एडिटर में, लॉन्ग फॉर्म के आउटपुट के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए अच्छा है, कॉपी राइटिंग के लिए अच्छा है, ईजी टू यूज़ है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो अगर जो इसमें यूज़ केसेस दिए हैं अगर आप लोग उसका यूज़ करोगे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जनरेट करने के लिए तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर और भी दूसरे टूल्स हैं जिनका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, जिनका मैं आगे भी रिव्यू करूंगा, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे देना, एंड यू कैन सपोर्ट मी बाय यूजिंग माय लिंक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।